हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुंडावालास बाइक रिपेयरिंग सेंटर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों, आज हम टायर के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। कौन सी कंपनी का टायर लगाए, कौन सी गुड्डी का टायर लगाए, कौन सी ग्रिप का टायर लगाए, ट्यूबलेस लगाए, ट्यूब वाले लगाए, ये सब की जानकारी हम आपको अभी देंगे। दोस्तों, ये देखिए, इसमें कई सारी कंपनियों के टायर हमने ला के रखे हैं और कई सारी ग्रिप है। जैसे ये नाइलो ग्रिप है, ये जेपर ग्रिप है और ये मोटी मोटी गुड्डी जिसको टर्बो टायर भी बोलते हैं, ये भी टर्बो है। और ये ट्यूबलेस जेपर टायर, ये एक्टिवा के लिए नाइलो ग्रिप प्लस और ये मोटी गुड्डी जेपर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब हम टायर डलाते हैं तो हमारे एक दोस्तों जब हम टायर लगवाते हैं तो हमें पता नहीं होता है हम कौन सी कंपनी का टायर लगाएं, अपोलो लगाएं, C8 लगाएं या फिर MRF लगाएं या फिर MRF लगाएं। दोस्तों, इन सभी कंपनियों के अंदर MRF का जो टायर है वो सब पे भारी होता है, क्योंकि इसका जो रबड़ है, बहुत हेवी आता है और इसकी लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। 30-35-40 हज़ार तक ये टायर चलता है। अब हम बात करते हैं कौन सा टायर लगाएं, नाइलो ग्रिप लगाएं या जेपर लगाएं या फिर जंबो टायर लगाएं। दोस्तों, ये कंडीशन कहाँ डिपेंड करती है, किस जगह हम लोग रहते हैं। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं या फिर हम लोग पहाड़ी इलाके में होते हैं। अगर हम लोग शहर में हैं तो ये टायर बेस्ट है, ये जेपर, आगे के लिए और ये नाइलो ग्रिप प्लस, ये तीनों टायर शहर के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ की सड़कें थोड़ी अच्छी होती है। ये जो तीनों ग्रिप है दोस्तों, ये जो ग्रिप देख लो आप, तीनों ग्रिप शहर की सड़कों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि यहाँ की रोड, यहाँ की जो सड़कें हैं काफ़ी अच्छी होती हैं तो यहाँ गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है, इसलिए लगाने से गाड़ी, आपकी गाड़ी भी स्मूथ चलेगी। अगर हम लोग शहर की शहर में रहते हैं और ये वाली गुड्डी वाला टायर लगाते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल चलती है, गाड़ी थोड़ी सी उछलती है, उछलने की प्रॉब्लम आती है गाड़ी थोड़ी, ऐसे ऐसे गाड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी। ये गाँव की सड़कों के लिए बढ़िया है, ऑफ रोडिंग बाइक के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बड़ा टायर है ये वाला, बहुत सही टायर है। ये देखिए, हालांकि थोड़ा ज़्यादा चल जाता है लेकिन ये गाड़ी के कंफर्ट के हिसाब से सही नहीं है। अब बात करते हैं हम पावर सेगमेंट की गाड़ियों की, जिसकी वो जो 150, 180 जैसे FZ, हंक, पल्सर, इन गाड़ियों में कौन से टायर लगाएं। दोस्तों, इन गाड़ियों में हम दोनों ही टायर लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जिसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो गाड़ी टायर सबसे बढ़िया है, वो टायर है ये। टायर है C8 जूम प्लस, ये ट्यूबलेस टायर है। ये आपकी गाड़ी में जैसे पल्सर में, FZ में, इनमें सब में बराबर काम करेगा। दूसरा टायर है ये भी C8 का टायर है, लेकिन ये ऑफ रोड के मतलब का टायर है। ये भी FZ, पल्सर, इन गाड़ियों में लगने के लिए सही है, लेकिन वही शहर के देखते हुए ये टायर सही नहीं है, इसको ऑफ रोडिंग के काम में लेंगे हम लोग। जैसे गांव में हम लोग कहीं लॉन्ग वे पे जा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में, इनमें ये ग्रिप अच्छी काम करती है। तो शहर में तो टायर लगवाएं तो ये ही लगवाएं, ज़्यादातर शहर की सड़कों पे ये वाला टायर ही काम करेगा बराबर। अब बात करते हैं हम लोग एक्टिवा की, एक्टिवा में कौन सा टायर लगवाएं, आगे कौन सा लगवाएं, पीछे कौन सा लगवाएं, ट्यूबलेस लगवाएं या ट्यूब वाला लगवाएं। तो दोस्तों, अभी जो नई गाड़ी आ रही है उनमें सब में ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। ट्यूबलेस में ये जो ग्रिप है, MRF नाइलो ग्रिप प्लस के नाम से टायर आता है, ये देखिए MRF नाइलो ग्रिप प्लस, एक्टिवा के लिए सबसे बेस्ट टायर है। इसकी लाइफ भी अच्छी है, गाड़ी में ग्रिपिंग भी अच्छी आएगी और गाड़ी में पंक्चर होने की संभावना भी कम बनी रहेगी। और दूसरा टायर है अपोलो, जिसकी ग्रिप थोड़ी सी मोटी है, ये देखिए। अगर मान लो आप गांव में हैं या फिर पहाड़ी इलाके में, तो इसकी ग्रिप थोड़ी सी पकड़ इसकी अच्छी, उसी उन इलाकों में पकड़ अच्छी रहेगी, लेकिन शहर को देखते हुए तो ये टायर बेस्ट है आपको, आप यही लगवाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।